हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबीज डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, जब बच्चे बैठने लगते हैं एंड जनरली पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि बच्चे कौन से मंथ में प्रॉपर बैठने लग जाते हैं, तो फ्रेंड्स बच्चे 6 to 8 मंथ के अराउंड प्रॉपर बैठ जाते हैं। इस टाइम पे बच्चे ठीक से बैठे, गिरे नहीं, एंड अगर आप, क्योंकि 6 मंथ के हो चुके हैं, आप उन्हें सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो उनको फीड कराना, खाना खिलाना, उनको प्रॉपर देखना कि वो गिरे नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ा मैसी हो जाता है आपके लिए। तो ऐसे टाइम पे आप बच्चों को हाई चेयर इंट्रोड्यूस करा सकते हो। हाई चेयर के बहुत बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए, पर पहले हम देखते हैं कि आपको कौन सी एज से बच्चों को हाई चेयर इंट्रोड्यूस करानी चाहिए एंड क्यों इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, क्यों हाई चेयर नेसेसरी है बच्चों के लिए, एंड कैसे आप एकदम परफेक्ट हाई चेयर अपने बच्चों के लिए चूज़ कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। एंड आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि हमें कब से नीड होती है, कब हमें अपने बच्चों की लाइफ में जो उनका स्टार्टिंग का फेज़ है, कौन से टाइम पे हमें हाई चेयर इंट्रोड्यूस करा देनी चाहिए। फ्रेंड्स, जनरली हाई चेयर का काम सिर्फ फीडिंग का नहीं है, उनको प्रॉपर बैठना, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं बिजी हो, बच्चों को एक जगह स्टेशन बैठाना है, कुछ काम में बिजी करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हाई चेयर को रिकमेंड कर, उसको सजेशन है मेरा कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपका बच्चा जब बैठ रहा है, वो स्टेबल है, गिर नहीं रहा है, एंड वो अपना हेड प्रॉपर स्ट्रेटली रख रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चों में आपको दिख रही हैं तो वो परफेक्ट टाइम है बच्चों को हाई चेयर इंट्रोड्यूस कराने का। सेकेंड क्वेश्चन आता है पेरेंट्स के मन में कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम हाई चेयर लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में कंसिडर करते हुए आपको हाई चेयर सर्च करनी चाहिए, आपको बच्चों के लिए लेनी चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप कुछ अमाउंट बच्चों के इस प्रोडक्ट पे एक्सपेंड कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रॉपर अगर नोटिस करते हो अपनी हाई चेयर में, तो वो ड्यूरेबल भी रहेंगे आगे के लिए भी आप बच्चों के लिए वो चेयर। पहली चीज़ है डिटैचेबल ट्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। जब भी आप बच्चों के लिए कोई हाई चेयर ले रहे हो तो आप ये चीज़ चेक कर लो कि जो उसकी ट्रे है जिससे बच्चा रख के खाना खाएगा, वो ट्रे बाहर निकाल के दोबारा आप लगा सकते हो कि नहीं, जिससे कि बच्चा जब खाना खाएगा तो उसको क्लीन करने में भी ईजी रहेगा एंड आपको बच्चों को बैठाना एंड उठाना, वो सारी चीज़ें भी बहुत कम्फर्टेबल रहेंगी। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप हाई चेयर ले रहे हो जिसमें व्हील्स है, तो व्हील्स में लॉक सिस्टम है कि नहीं। लॉक सिस्टम नहीं होगा तो बच्चे का गिरने का भी बहुत डर रहेगा। अगर आपको जो लॉक सिस्टम होता है उसकी हेल्प से आप बच्चों की चेयर को स्टेशनरी कर सकते हो, जब भी आप खाना खिला रहे हो उसे बच्चा एक जगह रहेगा। थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वो जो आप चेयर ले रहे हो, जो हाई चेयर है, उसको आप बूस्टर सीट में या नॉर्मल चेयर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आज की डेट में बहुत मल्टीफंक्शनल हाई चेयर आ रही है, एक ही चेयर में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो मेरा सजेशन है कि आप नॉर्मल चेयर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इस चीज़ को भी देखो, ताकि कल को जब आप अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हो तो बच्चों को भी इंटरेस्ट होता है कि वो भी साथ में खाना खाए, तो उस केस में आप हाई चेयर को भी साथ में इंक्लूड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अगर आपका कोई स्पेस का इशू है घर पे, बहुत पेरेंट्स का होता है कि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, हम बच्चे के लिए अलग से चेयर लेके आए, तो आप फोल्डेबल चेयर आती हैं जिसको आप फोल्ड करके साइड से रख भी सकते हो, वो चेयर रिकमेंड करूँगी, वो चेयर भी ले सकते हो, कि वो चेयर्स आप रेस्टोरेंट्स वगैरह बूस्टर चेयर जो होती है वो लेके जा भी सकते हो। फ्रेंड्स, बच्चों को खाना खिलाना एंड बच्चे खुद में बहुत बड़ा मेसी कॉम्बिनेशन होता है, तो ऐसे केस में आपने ऐसी हाई चेयर लेनी है जिसको असेंबल करने में उसके बहुत ज़्यादा कोई पार्ट्स ना हो। मैं ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पार्ट्स का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि उसके कुशन है, उसकी जो ट्रे सीट, काफ़ी कुछ अलग अलग सिस्टम को अलग डिटैच करने वाला सिस्टम ना हो, सिंपल चेयर बेस्ट रिकमेंडेड होती है, क्योंकि बच्चा जितना सिंपल होगा, क्योंकि बच्चे जब खाना खाते वो बहुत मेस क्रिएट करते हैं, खाना इधर उधर गिराते हैं, एंड अगर आपने जैसे कुशन वाला लिया है या कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा है उसमें, तो अगर खाना उसमें रह जाएगा तो उसमें जर्म्स भी आने के चांसेस हैं। बट अगर आप प्रॉपर उसको क्लीन कर रहे हो, आप रेडी हो उसको ऑल टाइम हर फीडिंग के बाद उसको क्लीन करके रखने के लिए, तो इट्स परफेक्ट, आप उसको रिकवर ले सकते हो। कुशन वाली जो हाई चेयर्स आती हैं प्रॉपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ,
वो चेयर आप ले सकते हो, बट अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप सिंपल चेयर लो जिससे बच्चा भी जर्म्स फ्री रहे एंड उसको भी कंफर्टेबल लगे बैठने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों का कंफर्ट फैक्टर, सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई भी ले रहे हो हाई चेयर, आपने चेक करना है कि उसमें 3 और 5 पॉइंट हार्नेस होता है वो है कि नहीं है, जिसकी हेल्प से आप बच्चों की जो सीटिंग है, जो बैठ रहे हैं, वो प्रॉपर सिक्योर कर सको। उसमें बकल्स जो है वो ईजिली बकल और अनबकल वापस, आप उसके जो स्ट्रैप्स बच्चों के हैं उसको आप क्लोज कर पा रहे हो, लॉक कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको परफेक्टली देखनी है, एंड फ्रेंड्स अगर आप हाई चेयर ले रहे हो जिसकी हेल्प से मतलब आप कुछ काम कर रहे हो या आपने बच्चे को फीड करा दिया, उसके बाद बच्चा थोड़ा बिजी रहे, आप अपना खाना खा लो, ऐसे केस में अगर आप हाई चेयर ले रहे हो तो भी आपको वैसी हाई चेयर रिकमेंड करूँगी जिसमें वेल पैडेड सीट हो, जिसमें आप बच्चा आराम से फुट रेस्ट हो, जिसमें पैर रख सके, कंफर्टेबल सीट जितनी रहेगी उतनी देर बच्चा आराम से हाई चेयर पर बैठा रहेगा। एंड फ्रेंड्स लास्ट चीज़ कि क्यों हमें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए बच्चों को हाई चेयर। फ्रेंड्स हाई चेयर इंट्रोड्यूस कराने से ऐसा नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नेसेसरी भी नहीं रहती है। पहले के टाइम पे भी लोग बच्चों को गोदी में बैठा के खाना खिलाते थे, आप खिला सकते हो, बट फ्रेंड्स उस केस में बच्चों के चोकिंग होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। आज के टाइम के अकॉर्डिंग भी बच्चों को अगर आप हाई चेयर इंट्रोड्यूस करा रहे हो वो अपने आप खुद खाना भी सीखते हैं, फिंगर फूड्स आप इंट्रोड्यूस कराओगे, उसकी फीडिंग ट्रे पर डालकर रख सकते हो तो वो उसको खाना सीखेगा, खुद के खाना स्पून से वगैरह सीखते हैं बच्चे, एंड प्रॉपर बैठना सीखते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी आप उसको अटैच कर सकते हो तो बच्चा उस आपके साथ बैठ के भी खाना खा। फ्रेंड्स हाई चेयर की हेल्प से बच्चा जो मील टाइम है, खाने का टाइम है, उसको एंजॉय करता है, उसको भी समझ आता है फूड क्या है, वो कैसे खाते हैं, स्पून्स को यूज़ करना, हर चीज़ बच्चा सीखता है। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड ये बहुत हेल्पफुल है। एंड जब आप परचेज़ करो तो ऐसा परचेज़ करो इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई है, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए लो, ताकि वो ड्यूरेबल रहे एंड आप आराम से बच्चों के आगे आने वाले साल तक भी उसको यूज़ कर सको, अगले साल तक भी उसको यूज़ कर सको। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अभी आप नहीं कुछ परचेज़ कर सकते, बट हाँ आप ये वीडियो को देखने के बाद की पॉइंट्स अपने दिमाग में रख सकते हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें देख करके बच्चों के लिए हाई चेयर लेनी है। होप आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, एंड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, एंड डू गो फॉर शॉपिंग ऑफ हाई चेयर। हाई चेयर की शॉपिंग बहुत एक अच्छा टास्क है, बहुत इंटरेस्ट का टास्क है, बहुत वैरायटीज़ है नेट। एंड फ्रेंड्स अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि आपके बच्चे के लिए कौन सा हाई चेयर सुटेबल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा हाई चेयर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल बेबीज डेवलपमेंट। थैंक यू।